Take it over. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो यार आज हम ना आज का काम 25 होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं साख लौंडे से मिलने। साख लौंडा पता है यार, हमजा इब्राहिम यार। तो आज हम हमजा भाई के मीटअप पे जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी हमजा आए थे डॉलमेन मॉल में इरफान भाई के साथ। तो इरफान भाई के हम मीटअप पे नहीं जा पाए, कुछ मसले थे जिसकी वजह से नहीं जा पाए। तो आज हम बार हमने बोला था कि भाई आज तो जाना ही जाना है हमजा भाई के मीटअप पे, कुछ भी हो जाए। तो आज हम हमजा भाई के मीटअप पे जा रहे हैं, तो उससे पहले हमने एक फ्रेंड को कॉल करनी है, उसको मैंने व्लॉग में ले चलते हैं। तो पहले उसको कॉल करेंगे, तो उसके बाद फिर हम करीम मंगाएंगे, तो फिर निकलेंगे हम मीटअप के लिए। तो बस चेक करें शो वाली वीडियो। यार अभी हम जा रहे हैं हमजा भाई के इब्राहिम भाई के मीटअप पे। तो हमारे एक फ्रेंड है, बहुत पुराने फ्रेंड है, तो ये साबिश आए, साबिश आते ला दो। तो अभी हम निकल रहे हैं, बस गाड़ी का इंतज़ार करें, करीम मंगवाई है तो वो बस आ रही है, फिर चलते हैं। करीम की गाड़ी आ गई आई जेट, तो बस पे हम बैठेंगे, तो फिर चलते हैं। टेरिया कैफ़े पहुंच गए, रेस्टोरेंट हमजा भाई के पास आए हैं। और सामा भाई आप क्या बोलेंगे। यार बस अभी हमजा भाई का वेट कर रहे हैं, तो मीटअप पे आए हैं, तो अभी हमजा भाई का वेट कर रहे हैं। जब हमजा भाई आएंगे तो फिर दिखाएंगे कि काम पच्चीस है भाई। चार बजे का टाइम दिया था मीटअप का, तो हमजा भाई अभी तक नहीं है भाई। क्या टाइम हो रहा है साबिर, साबिर भाई क्या टाइम हो रहा है। 4:21 हो गए यार। तो खैर भाई वेट करते हैं यार, क्या कर रहे हैं, वेट कर लेंगे, मसला नहीं है यार भाई। एक घंटा हो गया, हमजा भाई अभी तक नहीं आए, और हमारे फ्रेंड भी आ गए, ये शायान ब्लॉग्स हैं और ये हफीज़ ब्लॉग्स। तो भाई हमजा भाई ने भाई 4 बजे का टाइम दिया था, 4 से ऊपर 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए, तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं। तो हम शायान भाई कुछ बोलेंगे आप। मेरे लिए तो अच्छा क्योंकि मैं खुद लेट आया हूँ। तो भाई खुद लेट आए, क्योंकि चलो भाई फाइनली हमजा भाई आ गए। बैठ जाओ यार पीछे, वो देखो बच्चे स्कूल से पढ़े हैं, वो सीट पे बैठे हैं। फिर हमजा भाई ने अपने सुनाना कर दी अपनी लाइफ स्टोरी, तो चेक करें। वो तब देख बैठ के तुम तब सुनोगे जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे। इन माय केस ऑफ ओपिनियन के पता चल गया कि ब्लॉगिंग करनी है फोन से और हो सकती है, ठीक है। मेरा पहला और दूसरा ब्लॉग फोन से था, ठीक है, सबको पता नहीं, सबको ये पता चल गया है कि ब्लॉगिंग फोन से हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे ब्लॉगर भी देखे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात मैंने एनईटी के गेस्ट स्पीकर किया था, की थी, मैं नहीं था गेस्ट स्पीकर, ये थे, मैं ऐसी स्टेज पर गया था, की थी कि मैं आपको बता दूँ, सबको एक बात पता चल रही है कि फ़ोन से ब्लॉगिंग हो सकती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो ब्लॉगिंग का जो पार्ट होता है उसमें क्रिएटिविटी भी आ सकती है। फ़ोन से आप क्रिएटिव हो सकते हो,
सही है। अब जो जो फोन यूज कर रहे हैं मुझे एक एक बंदा बताया क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो कौन है। तो वी शिफ्टेड टू नाजमाबाद सही एंड देयर वाज वन रूम जहाँ पे मेरी बहन मैं और मेरी अम्मा ब्रदर वन रूम। मैं गत्ता लाया बाहर से उस गत्ते को मैंने लगा अच्छा फर्स्ट थिंग फर्स्ट के वो हफ्ता वो एक हफ्ते में हुआ है सब कुछ सही। अभी मैं चाहता हूँ पर्सनली एज अ बिरादराना मशवरा कि मोबाइल बंद कर दो सारे। तो अब ये तो अभी तो यार जब हम लोग इरफान की एक पोज जो है वो इक्वलेंट टू आसिम अजहर पोज मोमिना मुत्तसिल पोज सही। ये लोग पीछे से अमीर है इरफान पीछे से अमीर भी है जो कि नीचे से मेहनत करके आया है वो लड़का ठीक है मेहनती है। तो इस तरह के मुरू पागल नहीं है लाहौर का घर छोड़ कर यहाँ पर सेटल हो गया क्योंकि यहाँ पर बहन है एवरी वन इज सेक्रीफाइजिंग फॉर हिज ओन। लेकिन मैटर करता है कि यार आप लोग मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ ना रीज़न मैं फेमस हूँ छोटा सा रीज़न छोटा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं मैं बताता हूँ गुरु था मैं उसका फैन हूँ मैं इरफान का फैन गुरु ब्लॉग कर रहा था लौंडे वाली ब्लॉगिंग नहीं करता बनना चाहता है बननी पता गुरु भी अपना लेवल सेट है जो लौंडा से काफ़ी ऊपर है ठीक है। इरफान है इरफान से कूल मैंने आज तक कोई ब्लॉगर नहीं देखा अभी तक पाकिस्तान की बात करें ठीक है। तो लेकिन दोनों बंदे लौंडे नहीं थे एक कूल था और एक प्रॉपर स्टोरी टेलर था विद इंफॉर्मेशन के यहाँ जा रहे हो तो टॉर्च भी लेके जाना पूरी की बात है। और इरफान से कूल कोई नहीं तो यहाँ जा रहे हो तो मैं बताता हूँ जाया किस तरह जाते हैं ठीक है। ये दोनों अपने लेवल पे सेट थे एक लौंडा की सीट खाली थी जो मुझे पता था ठीक है। तो मैंने बोला इससे पहले ये कोई और ले ले ये मैं ले लेता हूँ हक मारते मिलते हैं सही है। तो इससे पहले मैंने कहा ये कोई और ले ले ये मैं ले लेता हूँ लेकिन उसके लिए लाइफ की रियलिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर तुम लोगों को बुरा वक्त नहीं गुजरा तो तुम लोग कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फाइनली यार अभी हमने हमजा भाई से भी मिल लिया है क्योंकि एक शॉट नहीं ले पाए क्योंकि रश थी। तो अभी हमजा भाई पीछे देख रहे हैं अगर आपको नज़र आ रहे तो बस अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।